हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीक्योर में। इस हफ्ते के करंट अफेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले इंडेक्स देख लेते हैं। इसमें वो सब टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, राइट। सो शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर्स से, जो कि है अपेंडिक्स वन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, जिसका कि कॉप 13 वॉज गोइंग ऑन इन इंडिया, इन गांधी नगर, इन गुजरात, राइट। अभी इस कॉप के दौरान ये इंडिया ने एक प्रपोजल दिया था कि जो इंडिया में स्पीशीज़ हैं लाइक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट एंड बंगाल फ्लोरिकन, दे शुड बी इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स वन ऑफ दिस कन्वेंशन, एंड इट वॉज यूनानिमसली एक्सेप्टेड बाई द कॉप 13, राइट। अब इसका मतलब ये है कि इनको अटमोस्ट प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है। सो दे वुड बी बेनिफिटेड दैट वे, राइट। अभी टोटल 10 स्पीशीज़ ऐड हुई हैं, जिसमें कि इंडिया का प्रपोजल 3 का था एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन एडेड, राइट। पहले हम डिस्कस करते हैं एशियन एलिफेंट के बारे में। एशियन एलिफेंट एज यू नो इज़ द नेशनल हेरिटेज एनिमल एंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हेरिटेज एनिमल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इंडियन एलिफेंट को काफ़ी हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये भी एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देता है एलिफेंट को। उसके बाद इंडेंजर्ड है IUCN स्टेटस के ऊपर। अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स का मतलब है कि इसकी ट्रेडिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। सिमिलरली अब अपेंडिक्स वन ऑफ CMS का मतलब है कि अगर ये माइग्रेट करता है टू द नेबरिंग कंट्रीज, तो इसको हर जगह पे अटमोस्ट प्रोटेक्शन, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी जाएगी, राइट। सो दिस इज हाउ इट वॉज प्रमोटेड। अच्छा, अब अगर हम एलिफेंट को प्लेस करते हैं या फॉर दैट मैटर किसी भी एनिमल को प्लेस करते हैं, तो जो उसकी माइग्रेशन का ट्रैक्ट है, ठीक है, ये शेड्यूल 1 या अपेंडिक्स 1 में अगर किसी भी एनिमल को या किसी भी बर्ड को इंक्लूड किया जाता है, तो उसका मतलब है कि उसका जो माइग्रेशन है दैट इज़ फुली सिक्योर्ड। दैट इज़ इंश्योर्ड कि अक्रॉस इंडियाज बॉर्डर्स, ठीक है, अगर वो कहीं जा रहा है, एंड देन इट इज़ इन शॉर्ट कि वो माइग्रेट आउट एंड इनवर्ड माइग्रेशन उसकी प्रॉपर है, मतलब प्रॉपर उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है। सो उससे क्या होगा, अगर उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगी, सो इट विल इंश्योर कि कॉन्जर्वेशन हो रही है ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज फॉर आर फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। अब देखो, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, सब जगह पर आपको एलिफेंट्स मिलते हैं एंड दीज एलिफेंट्स ए माइग्रेट टू दीज कंट्रीज ऑल्सो। तो अगर ये इंटरमिक्सिंग होगी इन सब पॉपुलेशंस की, ठीक है, जो इन कंट्रीज में हैं, इट विल ऑल्सो हेल्प टू वाइडन द जीन बेस। इट विल हेल्प टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द माइग्रेटरी रूट्स, ठीक है। अब बेसिकली जो चैलेंजेस हैं विच आर देयर इन फ्रंट ऑफ एशियन एलिफेंट कॉन्जर्वेशन, यही है कि हैबिटेट लॉस हो रहा है और फ्रैगमेंटेशन हो रही है, एलिफेंट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ एलिफेंट्स। तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी अगर जैसे कि हमने देखा है इसको इंक्लूड किया गया है ऑफ द अपेंडिक्स वन। इट विल हेल्प इन द कॉन्जर्वेशन ऑफ एलिफेंट एंड द अदर स्पीशीज इन अ बिग वे। दूसरी स्पीशीज जो इंक्लूड की गई है इंडिया की, दैट इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड इट इज़ कॉन्जर्वेशन डिपेंडेंट स्पीशीज। अब ये भी ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स शो करती है, ठीक है, क्योंकि अगर देखो इंडिया में है, इंडिया में तो हम उसको वैसे भी प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं। अब UNCMS के अगर हम अपेंडिक्स वन में उसको डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दूसरी कंट्रीज जहाँ पे वो माइग्रेट करके जा रहा है, वो भी उसको उतनी ही प्रोटेक्शन ऑफर करें, ठीक है। बट अब देखो, माइग्रेशन एक्सपोजेस इट्स टू द थ्रेट सच एज हंटिंग इन बाउंड्री एरिया ऑफ पाकिस्तान इंडिया एंड पावर लाइन कोलिजन्स इन इंडिया। अब अगर इसको अपेंडिक्स वन में डाल दिया गया, तो इट विल हेल्प इन ट्रांसबाउंड्री कॉन्जर्वेशन फैसिलिटेड बाय इंटरनेशनल कॉन्जर्वेशन बॉडीज एंड एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लॉज एंड अग्रीमेंट, ठीक है। तो एक तरह से एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी गई है इन केस दी स्पीशीज माइग्रेट, राइट। सो दिस इज हाउ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लुक्स। उसके अलावा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, काफ़ी कम नंबर है इसका और मेनली आपको राजस्थान में ही मिलती है। The species has disappeared from 90% of its range. Their population has reduced by 90% within 50 years. ठीक है, और threats are even further expected to increase in future.
इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, जैसा कि हमने देखा इसकी पॉपुलेशन सिर्फ राजस्थान में ही मिलती है। उसके अलावा IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उसके अलावा शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है और अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स है, और अब इसको अपेंडिक्स 1 ऑफ CMS में भी इंक्लूड कर दिया गया है। देन तीसरा जो स्पीशीज ऐड किया गया है वो है बंगाल फ्लोरिकन, विच इज़ ऑल्सो अ बस्टर्ड। अगर हम इंडिया में बात करें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन एंड लेसर फ्लोरिकन आर द 3 बस्टर्ड्स विच आर प्रोमिनेंटली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, बंगाल फ्लोरिकन भी एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है ऑफ टॉप मोस्ट कंजर्वेशन प्रायोरिटी, ये भी ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स एग्जिबिट करती है। ऑब्वियसली तभी हम CMS में इसको कंसिडर करेंगे अगर ये माइग्रेशन में आप इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली माइग्रेशन ये एग्जिबिट करती है। ठीक है, अगेन माइग्रेशन एक्सपोजर्स इट टू थ्रेट सच एज लैंड यूज चेंजेस, कोलिजन विद पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, क्योंकि बर्ड्स दे यू नो दे कोलाइड विद द ट्रांसमिशन लाइन्स। ठीक है, एट द बाउंड्री एरिया ऑफ इंडिया नेपाल इन प्रोबेबल पावर लाइन कोलिजन्स। अपेंडिक्स 1 में इंक्लूड करने से इसको ट्रांसबाउंड्री कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा पुश मिलेगा बंगाल फ्लोरिकन के। ठीक है, इट विल बी फैसिलिटेटेड बाय इंटरनेशनल कॉन्जर्वेशन बॉडीज एंड एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लॉज एंड अग्रीमेंट। राइट, सो दिस इज हाउ द बंगाल फ्लोरिकन लुक्स। ठीक है, और इंडिया में आपको ये UP, असम और अरुणाचल प्रदेश में मिलती है एंड इन तराई रीजन ऑफ नेपाल। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान यू नो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स। इन केस ऑफ बंगाल फ्लोरिकन नाम से ही आपको पता चलता है उस रीजन में मिलेगी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया नेपाल। राइट, पॉपुलेशन हैव डिक्लाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ हैबिटेट लॉस, हंटिंग एंड द स्पीशीज नो लॉन्गर ब्रीड्स आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट इन अ फ्यू एरियाज ऑफ असम। तो आपको ये मोस्टली प्रोटेक्टेड एरियाज में ही ब्रीडिंग करती हुई मिलेगी, उसके अलावा बाहर बहुत कम जगहों पे मिलती है एक्सेप्ट अ फ्यू एरियाज ऑफ असम। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्टेड एरियाज में इसके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगेन शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का और अपेंडिक्स 1 है साइट्स का। तो अगर हम इसके और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कंपेयर करें, दोनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दोनों ही शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है, दोनों ही अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स एंड CMS में इंक्लूडेड है। वो कहीं और मिलती है, वो आपको थोड़ी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में मिलेगी, आपको थोड़ी ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में मिलेगी। ठीक है, एलिफेंट से कंपेयर करेंगे तो एलिफेंट इज़ इंडेंजर्ड, IUCN स्टेटस उसका इंडेंजर्ड है, बाकी चीज़ें सेम है। ठीक है, बस्टर्ड्स लाइक फ्लोरिकन्स एंड कोरहान्स दे आर लार्ज टेरिस्ट्रियल बर्ड्स, ड्राई ग्रासलैंड एरियाज में मिलते हैं आपको ये। और जैसे कि मैंने बताया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और लेसर फ्लोरिकन इंडेंजर्ड है, और इन दोनों को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन हैव बीन इंक्लूडेड रिसेंटली इन द अपेंडिक्स 1 ऑफ CMS। ठीक है, और जो ये कॉन्फ्रेंस है, इट हैज़ किक्ड ऑफ द सुपर ईयर फॉर एनवायरनमेंट, विच विल इंक्लूड अ UN समिट इन सेप्टेम्बर एंड कल्मिनेट इन द यू नो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ CBD, जो कि एकदम एंड ऑफ द ईयर में होंगी। और वो कहाँ पे होंगी? चाइना में। एंड दे विल कम अप एट दैट कॉन्फ्रेंस, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज विल कम अप विद अ न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट डिकेड, जिसको पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क भी कहा जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो CMS COP13 हैज़ कंक्लूडेड विद गांधीनगर डिक्लेरेशन, विच कॉल्स फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज। ठीक है, एंड दी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी टू बी इंटीग्रेटेड एंड प्रायोरिटाइज्ड इन द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। और इंडिया ने ये भी कहा है कि हम सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज का पार्ट है इंडिया, उसके अलॉन्ग हम उसके ऊपर हम कॉन्जर्वेशन प्रमोट करेंगे ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स। एंड दे हैव ऑल्सो अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च एंड असेसमेंट ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स, कॉन्जर्वेशन ऑफ मेरीन टर्टल्स, रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम माइक्रोप्लास्टिक्स एंड यू नो सस्टेनेबल इंफ्रा डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हमारा UNCMS कवर हो जाता है। द नेक्स्ट इज कवल टाइगर रिजर्व। सो इट वॉज अ न्यूज़, इट इज़ लोकेटेड इन तेलंगाना, इट इज़ वन ऑफ द 50 टाइगर रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, 2012 में ये टाइगर रिजर्व बना था। इट इज़ नोन फॉर अबंडेंट फ्लोरा एंड फौना और इट इज़ द कैचमेंट फॉर द रिवर्स गोदावरी एंड कदम। ठीक है, विच फ्लो थ्रू द साउथ ऑफ द सेंचुरी। अब इट इज़ नोन फॉर टीक फॉरेस्ट। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा डेंस एरियाज हैं, फ्री ऑफ ह्यूमन डिस्टर्बेंस,
रिवर कदम, लाइक आई सेड ड्राई डेसिडुअस टीक फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं, और बहुत सारी स्पीशीज़ मिलती हैं ऑफ टाइगर, लेपर्ड्स, गॉर्ड, चीतल एट्सेट्रा, ठीक है. बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स भी काफ़ी प्रोमिनेंट हैं. अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वॉज क्वाइट प्रोमिनेंट. क्यों? क्योंकि पानी की कमी थी, ठीक है. लेकिन अभी क्या है, अभी रिजर्वॉयर्स हैव बीन बिल्ट आर्टिफिशियली इन दिस टाइगर रिजर्व, ठीक है. सो इस वजह से इस साल और इससे पिछले साल ऐसे इंसिडेंसेस ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए, क्योंकि पहले क्या होता था, वाइल्ड एनिमल्स यूज टू स्ट्रेन टू द ह्यूमन हैबिटेशंस, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द लॉस लैक ऑफ वाटर. बट अभी इस साल और इससे पिछले साल ऐसा नहीं देखने को मिला है. और ये कहा जाता है कि वाटर, जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ है, जब उसमें ड्राई हो जाता है, ठीक है, तो उस वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो चले जाते हैं, लेकिन अभी नहीं हुआ है. और एक रीज़न ये भी है कि नेचुरल वाटर बॉडीज़ में भी पानी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड मॉनसून, एंड ऑल्सो ड्यू टू द इंटेंसिफाइड एफर्ट्स ऑफ द रिजर्व मैनेजमेंट मेकिंग इट अवेलेबल थ्रू आर्टिफिशियली क्रिएटेड वाटर होल्स, ठीक है. सो मैनेजमेंट हैज़ यू नो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंवल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, वाई इट इज़ फेमस, उसकी जोग्राफी क्या है, वहाँ से कौन सा रिवर जाता है, वहाँ पर कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, कौन सी स्टेट में है, क्या ये टाइगर रिजर्व है कि नहीं, वो सब चीज़ें. ओके, सो ये है तेलंगाना में, उसके नॉर्थर्न साइड पे है आपका कंवल टाइगर रिजर्व, राइट. द नेक्स्ट इज ऑलिव रिडले टर्टल्स बीइंग इन न्यूज़. वो क्यों न्यूज़ में थे, क्योंकि ऋषिकुल्या रूकरी, जो कि ओडिशा कोस्ट पे है, जहाँ पे ये हर साल आके मास नेस्टिंग करते हैं, सो द ऋषिकुल्या रूकरी इज़ यू नो प्रिपेयरिंग इट सेल्फ बिकॉज जो मास नेस्टिंग है इट इज़ लाइकली टू बिगिन इन मार्च, ठीक है. अब एक चीज़ और देखनी है, नोट करने वाली है, कि मास नेस्टिंग हम रिलेट करते हैं ऑल ऑफ रिडले टर्टल्स के साथ, लेकिन स्पोराटिक नेस्टिंग भी होती है, जो कि आर्टिफिशियली आर्टिफिशियल हैचरीज में हो रही है. वो वाले जो एग्स हैं, दे आर अबाउट टू हैच, ठीक है. सो ऑल ऑफ रिडले टर्टल्स आर स्मॉलेस्ट एंड अबंडेंट सी टर्टल्स, ठीक है. दे आर फाउंड इन दी वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस. और दीज टर्टल्स अलॉन्ग विद कैम्प रिडले टर्टल्स आर फेमस फॉर यूनिक मास नेस्टिंग. मास नेस्टिंग होती है कि सारे टर्टल्स आते हैं, अशोर पे आते हैं और एक टाइम पे एग्स ले करते हैं, जिसको अरीबाटा भी कहा जाता है, ठीक है. बट दे कैन ऑल्सो ले एग्स बाय स्पोराटिक नेस्टिंग. IUCN स्टेटस वनरेबल अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, राइट. ये आपको पता होना चाहिए. और ये दिस इज मास नेस्टिंग विच इज़ टेकिंग प्लेस ऑन अ कोस्ट, राइट. देन दूसरी बात हो रही है कि ईस्टर्न घाट्स को यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है. सो जितने भी हिस्टोरिकली और कल्चरली सिग्निफिकेंट माउंटेन्स है ईस्टर्न घाट्स के, दे शुड बी डिक्लेयर्ड यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट्स. और जो फाइव स्टेट्स हैं ऑफ द घाट्स, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड ओडिशा, दे शुड प्रिपेयर एन एक्शन प्लान टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द इकोलॉजी एंड द नेचुरल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू ग्रेस. ग्रेस क्या है? ग्रीन अलायंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है. ये बेसिकली एक रिपोर्ट आई थी ईस्टर्न घाट्स एनवायरमेंट आउटलुक, उसमें बात की गई थी. सो अगर हम बात कर रहे ईस्टर्न घाट्स की, सो देर आर फाइव स्टेट्स, ठीक है. वी हैव ओडिशा, वी हैव तेलंगाना, वी हैव आंध्र, वी हैव तमिलनाडु, एंड वी हैव कर्नाटक ऑल्सो, ठीक है. वी हैव कर्नाटक ऑल्सो इन ईस्टर्न घाट्स. नाउ मेनली अगर हम देखें तो आंध्रा है 40%, उसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु 25%, कर्नाटक एंड तेलंगाना 55%, ठीक है. सो अभी क्या है, डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रही है ईस्टर्न घाट्स की, हेंस दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है. दिस नीड टू यू नो इंक्लूड देम इन द कल्चरल यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट्स, उसकी डिमांड आ रही है. बिकॉज जो डिग्रेडेशन है दैट हैज़ एक्सेलरेटेड सिंस द 1970s. स्पीशीज हैव बीन लॉस्ट, फॉरेस्ट स्ट्रक्चर हैज़ बीन लॉस्ट, ठीक है. सो द टाइम हैज़ कम फॉर द लोकल गवर्नमेंट्स टू इंश्योर कि ईस्टर्न घाट्स की कंजर्वेशन को प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है. ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, बायोसर रिजर्व्स और रामसर कन्वेंशन साइट्स हैं, लेकिन अभी भी बहुत पार्ट है ईस्टर्न घाट्स का जो कंजर्वेशन अम्ब्रेला के अंडर नहीं है. देन हमारा नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट. सो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? IQ एयर एंड ग्रीन पीस, ठीक है. और अभी जो रैंकिंग आई है इट इज़ बेस्ड ऑन अ कंपैरिजन ऑफ PM 2.5 लेवल्स, ठीक है. बांग्लादेश मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है फॉर PM 2.5, फॉलोड बाय पाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान एंड इंडिया. इंडिया इज़ द फिफ्थ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन 2019 एंड इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़, ठीक है. सो
21 of the 30 polluted cities in the world are located in India, with Ghaziabad in NCR ranked the world's most polluted. तो country की बात करें तो बांग्लादेश है, लेकिन cities की अगर हम बात करें तो गाज़ियाबाद है, ठीक है. और Indian cities exceed the WHO target for annual PM2.5 exposure by 500%, के जितना WHO कहता है कि होना चाहिए, ठीक है, उससे 500% ज़्यादा इंडियन सिटीज़ में एक्सपोजर है, ठीक है. बट अब नेशनल एयर पोल्यूशन डिक्रीज़ हुआ है 20% से, ठीक है, एंड 98% ऑफ द सिटीज़ हैव एक्सपीरियंस्ड इम्प्रूवमेंट्स. तो ये कहा जाता है कि ये जो हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसकी वजह से इतना नहीं हुआ जितना कि इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से हुआ है, ठीक है. सो NCAP की तारीफ की गई है, ठीक है, विच एम्स टू रिड्यूस द PM2.5 एंड द बिगर पार्टिकुलेट मैटर PM10 इन 102 सिटीज़ बाई 20-30% बाई 2024 कंपेयर टू 2017 लेवल्स, ठीक है. बट ऐसा कहा गया है कि ग्रोथ रेट कम हुआ है इंडिया का, ठीक है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, उसकी वजह से हमारी पोल्यूशन कम हुई है एंड नॉट बिकॉज ऑफ NCAP, ठीक है. सो अगर हम देखें तो बांग्लादेश पहले नंबर पर है, इंडिया 5वें नंबर पर, और अगर हम सिटीज़ में देखें तो गाज़ियाबाद पहले नंबर पर है, ठीक है, फॉलोड बाय दिल्ली एट 5th नंबर, राइट. और अगर हम PM2.5 की बात करें, सो 2.5 का क्या मतलब है कि जो डायामीटर है पार्टिकल्स का वो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि उनका डायामीटर इज़ लेस देन 2.5 माइक्रॉन्स या माइक्रोमीटर्स, ठीक है, दैट इज़ माइक्रोमीटर्स इज 10^-6 मीटर्स, राइट. सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर प्रीक्योर. थैंक यू.